अरे भाई खुरदार, तुम्हें पता है इस जहाज में इंजन ऑयल की जगह मछली की गांड का तेल गिरा है। तो अगर कोई भी इस जहाज के आसपास बीएफ चला देगा ना, तो मछली इस जहाज की वहां चले आवे, तो इसमें बीएफ पूरी तरह से बहन है। अरे पर भैया, गांड में से तेल कैसे निकल सकता है? गांड में तो तेल ही नहीं होता बेटा। जिस दिन मेहनत करोगे ना, तो शाम को कहोगे आज तो गांड का तेल निकल गया, बस वही तेल निकाल के जहाज में गिर रखा। वो देखो पर खुरदार, सामने ब्लैक पर्ल है, उसे मगर मछली गांड का तेल पड़ा है, इसलिए इस जहाज की मारने आ रहा है। डचविया से बात कर ले चल के एक बार का भाई, हमें सारी संपत्ति का ही पता लगाना पड़ा है कहाँ पे है, फिर उसे ले लुआ के। मेरे हिसाब से इसमें जीटी जैसा हिसाब किताब होना चाहिए, मतलब इसकी पूरी संपत्ति ले लुआ के और भाई आराम से वहाँ अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। डचविया कह रहे ट्रैवली पे। अरे पैंथर, तुम किसी खोपचे वाले हकीम को जानते हो? क्यों, क्या हो गया भैया? मैं बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, मैं भालू के पीछे भागकर लग रहा था एक दिन साइकिल पे बैठ के, सामने एक पत्थर आ गया और मैं साइकिल के डंडे पे आ गया। अरे बेटे बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, टांग टूट गई मेरी। अच्छा, तो मतलब आप चल नहीं पा रहे? अरे बेटे चल तो रहा हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा। क्या मूत्र विसर्जन बेटे, बीच वाली टांग टूट गई बेटे, कुछ कर दे मेरा, किसी हकीम को बता दे कोपचे वाले को मेरी गांठ पटी पड़ी है बेटे। तो भाई यार, अब हम किसी को लूटने जा रहे हैं, जहाँ तक है जो इसकी प्रॉपर्टी है ना उसे ही हम लूटेंगे। तो भाई अच्छे कपड़े पहन के, जेंटलमैन बन के, अरे भाई हम यहाँ लूटपाट करने जा रहे हैं। अच्छा भाई, बैंक लूटने जा रहे हैं फिर से? पैसा मिल जाएगा यहाँ? अच्छा हाँ, इसका शहर था ना, तो इसने मना कर दिया होगा बैंक वाले से ज़्यादा पैसा रखने को, इसलिए उन्होंने $45 रखे वहाँ से। तो भाई ये लोग तो नई जगह पे जा रहे हैं अपने बेस के सारे लोग, और भाई हम जा रहे हैं बैंक लूटने। एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा भाई, एक काम करेगा, ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। अभी हम नॉर्मल एक्ट कर रहे हैं, जैसे हम कुछ लूटपाट नहीं करने हैं, वैसे ही घूम रहे हैं अपने घोड़ों पर, लेकिन भाई बैंक लूटने जा रहे हैं अभी हम। तो भाई यहाँ से पूरा माल लेकर इंगे अपन तिंगे हो लेंगे जो है भाई बैंक। एक बार में नहीं पड़ गया था इस बैंक में, मैं सोची भैया लड़ाई वड़ाई नहीं करनी अभी जब आए आए थे, तो भाई जब मैं नहीं पड़ गया इसमें। अबे यू क्या हुआ? अच्छा उन्होंने धमाका कराया इससे कि सारी की सारी पुलिस वहां भग जावे एकदम से, कि वहाँ क्या हो गया। ओ भाई केस है यार, अब हम अपना असली काम करने जा रहे हैं। उन्होंने वहाँ धमाका करके भाई पुलिस को डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर दिया, कि सारी पुलिस तो वहाँ भगेगी कि भाई एकदम से क्या हो गया वहाँ। तो भाई जो है बैंक मैनेजर, इसे पहले तो थोड़ा सा कूटना। चल खोल खोल ही सर, खोल बेटा खोल, जल्दी खोल, वह दे नहीं चलने की। हाँ चलो, बहुत अच्छे मुन्ना है, वही वैलेंटाइन वाला फंडा। अब कि भाई आप बहुत पैसा मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है भाई, और इसका मेन बैंक है, तो समझ लो पैसों के तो बस बरसात हो जाएगी अपने पर। बस ये सेफ हो खोलना। चलो भैया हमने खोल ली समय पहले सेफ, और भाई लूटा है पैसा जितना भी है, लूटो यार फटाफट। कितने सारे भाई साहब गड्डी गड्डी है, अभी ये नहीं पता मुझे पैसा कितना है इसमें। अबे यार सेफ तो खुली नहीं सारी। चाहे फिर आगे लो वाले। ओ भाई, अरे ये तो यार वो है एजेंट भोसरे वाले ने मेरे आदमी की गांड में एक बम फोड़ा। चलो मैं उसे भी जानता हूँ, लेकिन भोसरे वाला बम फोड़ के क्वांटम की दुकान पर जाके चॉकलेट फ्लेवर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की क्वांटम पूछा। अरे बेटी चोर पहनने के खाने तुमको मारे चोर, अरे बहन चोर तुमको पान में इतने फ्लेवर नहीं मिलते इतने मारे चोर, तुम क्वांटम में मांग रहे हो। भोसरे के हमारे पास तो बस दो ऑप्शन है, ना तो मीठा पानी या फिर सादा पानी। अरे भोसरे के तुम्हें इतने सारे फ्लेवर चाहिए, बहन चोर खाओगे से चूते आदमी हो एक नंबर के। नहीं बहन चोर लॉजिक क्या है इसमें फ्लेवर गिरने का, हमें ये नहीं समझ में आता मारे चोर। अब सिकाई का सिखाना कद है, ठोक दिया है इन्होंने। अब तो भाई साहब इन्हें फोड़ना ही पड़ेगा। हट साले तेरी माँ का, निकल यहाँ से, हमारे शिकारी ठोकना है तो मैं तेरे वहाँ शिकार करेंगे हम।
भाई खोपड़ी खोपड़े फोड़ने इनके एक एक के। चलियो भी गया और बताओ, ये हो गया एक। 50 आदमी लाने को कहता था ना, 150 भी लिया तू। ले भाई साहब खोपड़ी खोपड़े फाड़ दिया आज उनने। अरे यार हमारा सिकाई का शिकार कर दिया ने हरामी ने, अब इसका शिकार मैं कदमा। आजा बेटा झलक दिखला जा तू इसकी बहन की, टांग पे गोली खावेगा ये। हट साले। अरे यार लग गया इसके, लग गया रिलोड करनी पड़ेगी। ये लग गया इसके भाई साहब, चारों तरफ से बज गई गोली। हट साले इनकी, ये 50 का 500 भी होना इनकी, जब भी ले लूंगा मैं। चलो जज भैया के पास जाना पड़ेगा फटाफट में। अरे यार एक सेकंड, ये जज भैया डायनामाइट है भाई साहब। अच्छा तो भाई अब हम दीवार को उड़ा कर भाई ऐसे निकल लेंगे। ओ भाई साहब क्या पटा है यार। तो भाई अब हमें छत पे जाके कवर देना सबको, साला कट्टा ही बहुत है यहाँ तो। तेरी माँ का साले। ये हो गया भाई साहब खतरनाक चोट, ये लगा इसके चोट भाई साहब, तो पेल कर दूंगा सारों को। ये हो गया रिलोड 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 बढ़िया। कट्टा में इसे इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि यहाँ सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है नहीं, और इसके कट्टे की जो गोली है ना वो आराम से मिल जाए, मतलब सस्ती रहे मैं तो वो बिना किसी समस्या के इसे इस्तेमाल कर सकें। चल ताले हरामी। ओ भाई मशीन गन आ गई यार। अबे यार है कहां पे, मुझे दिखनी नहीं। योरी गया भाई साहब, आंख निकाल दी साले की, बहुत बकवास पेल रहा था। बढ़िया अब कवर लो आराम से, अब फिर से लड़ना शुरू करो। ये हो रहा हट साले नमूने। तो आगे भाई साहब सारे लोंडे अपने। तो भाई यार अभी हमें छतों छत भागना है लैनी के साथ में, समझा। हट साले तू भी निकल। अबे यार लैनी भी गया। केस हो गया यार, लैनी भी गया यार। तो चलो 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 डच भैया के पीछे चलना। चलो भाई यार किसी घर में पड़ गया अब हम, खिड़की उड़की तो सब बंद हुई थी अपन इसकी। पैसा वैसा भी हमने इसमें स्टोर करा दिया, थोड़ी देर के लिए तो बच गया भाई लॉस है। अब यार क्या हो रहा भाई, हर बार लड़ाई बज रही है हमारी, कोई ना कोई भाई मर जा रहा। तो भाई अभी हम यहाँ रात तक के लिए रुक रहे हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से अपना एक, मतलब जिस बोट के बारे में डच भैया बात कर रहे थे वो किसी आइलैंड जो भी नाम है उसका टीस है, उस आइलैंड तक छोड़ेगी। तो भाई अब रात को हमें यहाँ से निकल लेना है चुपचाप उस बोट के लिए, फिर भाई हम आइलैंड पर पहुँच जाएंगे शांति से अपनी जिंदगी, मतलब वहाँ शुरू कर सकें। सामने है पता नहीं लगना चाहिए दो आदमी। अबे यार शांति से रेल में बढ़ना अब। ओए कहाँ जा रहा हूँ यार मैं, बस 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 बस
ऐसा चुपचाप लिख रहे हैं हम। यस सर। ज़्यादा क्या, बाकी के जो अपने वो है ना लोग, वो तो पहुँच गए वहाँ। हम डच भैया हम सारे बस पैसे इकट्ठे करने के लिए बैंक लूटने गए थे। शिकारी ने करा था वहाँ ब्लास्ट, तो भाई शिकारी को तो वहाँ से पकड़ लिया उन्होंने, FBI वाले जो है, मतलब वो एजेंट लोग उन्होंने। ओ ये नहीं 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 दो हैं यार। चलो 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 चलो, लिकड़िया लिकड़िया लिकड़िया। मुझे लग रहा था भाई मुंडी चौकी देखो बाहर, मुझे लग रहा था पकड़ा जाऊंगा मैं, लेकिन भाई बच गया। सेकंड टच भैया निकल लिया ना। ओए आराम आराम से, आराम आराम से। तो भाई अभी पीछे हमारे गार्ड्स हैं और हमें उनकी भाई अटेंशन ड्रॉ करनी है उधर की साइड, जिससे कि ये लोग शायद निकल सकें। कुछ वहाँ जाके सिटी उटी बजानी है, जिससे कि मतलब वो वहाँ आ जाए एकदम से, यो निकल जाए, फिर भाई हम भी कट लें। थोड़ा सा मुश्किल तो है काम, लेकिन कोई बात नहीं, दुबक दुबक के करना पड़ेगा। आन लग रहे अभी हिस्सा आएंगे ना, तो पीछे से कट लूँगा। बढ़िया बढ़िया भाई, केस कर दिया इनकी गैल। चलो 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 चलो, चुपचाप निकलना है इससे। तो भाई सामने वो लोग हैं जी, तो कह रहा है को देखो फोड़ दूं, लेकिन फोड़ना नहीं है। ओ भाई 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 भाई, वो ले गया उन्हें भगा क्या। बढ़िया पहुंच गया भाई बोट पे, यहाँ से फाइनली निकल लेंगे हम। वो जो बाकी के लोग हैं वो तो शायद पहले ही निकल होंगे जब हम रॉबरी करने गए थे। शिकायत तो भाई उसे उड़ाए चला गया होगा जगह को, इसी उन्होंने वहाँ उसे पकड़ लिया। भाई जो बाकी के लोग थे वो भाई पहले ही पहुँचे होंगे बोट पे, अब हम भी पहुँच गए लूटपाट करके। सही यार, जोन को भाई उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, जो मतलब आए थे वो लोग उन्होंने गिरफ्तार कर लिया एजेंटों ने। तीन दोस्त हमने यार यहाँ खो दिया अपनी जहाज लड़ाई में, जोनी लैनियर होनसिया। तो भाई यार हम इस शिप में बैठ के नॉर्दर्न क्यूबा जा रहे हैं। ये बोट नहीं है भाई, शिप है बहुत बड़ा वाला, टाइटैनिक कैसा। अरे मेरे खुरेदार, तुम्हें पता है इस जहाज में इंजन ऑयल की जगह मछली की गांड का तेल गिरा है, तो अगर कोई भी इस जहाज के आसपास बीएफ चला दे ना, तो मछली इस जहाज की वहां चले आवे, तो इसलिए बीएफ पूरी तरह से बहन है। अरे पर भैया गांड में से तेल कैसे निकल सकता है, गांड में तो तेल ही नहीं होता। बेटा जिस दिन मेहनत करोगे ना, तो शाम को कहोगे आज तो गांड का तेल निकल गया, बस वही तेल निकाल के जहाज में गिर रखा। वो देखो मेरे खुरेदार, सामने ब्लैक पर्ल है, उसे मगर मछली गांड का तेल पड़ा है, इसलिए इस जहाज की मारने आ रहा है। ये क्या हो गया? अबे टाइटैनिक है क्या, भूसड़ी का डूब रहा है, हिल तो ऐसे है जैसे डूब रहा हो। अबे गलत कहा यार, ऐसे टाइटैनिक है तो सारा टाइटैनिक वाली बकचोदी करने लग गया। अब निकलना पड़ेगा हमें फटाफट, पता नहीं कैसे कैसे। वह पलटने वाला है ये, कहीं से निकलना पड़ेगा। मैं फंस गया हम एकदम से। ओ भाई अबे आग लग गई। चलो आ तो गया बाहर, कोई बुलान तो लग रहा। डच निकल गया, क्या हो गया डच को? ओ भाई फाइनली पानी में तो कूद गए, लेकिन पानी में कूद के बचने के थोड़ी है यार, बहुत गहरा है पानी। मैं पेंथ भैया पे इतनी भी स्विमिंग ना आती दिखा, नई जगह पे आए अब। वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड। ओ भाई किनारे पे तो पहुंच गया, पानी की लहरों से, लेकिन हालत खराब है अभी। अभी डच भैया का किसी का भाई किसी साथी का किसी का कुछ नहीं पता, कहाँ है कौन है क्या है, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ यार मैं, पहाड़ वहाड़ से काफी सारा, पता नहीं क्या सीन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। भाई साहब मैं खाने खुने कुछ है नहीं, अपनी जान से भी निकलेगी। एक सेकंड कुछ आवाज़ सी आ रही है, ऐसा जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, उसके पास कुछ जाके देखें। ऐसे ही है वो आईलैंड जहाँ आने की बात करे थे, लेकिन यहाँ इतनी बुरी हालत में नहीं। हम यहाँ कुछ दिन के लिए एस्केप होने के लिए चाह रहे थे, ये पता नहीं क्या हो गया। हमने कोई जानवर वानवर तो हैं, जानवर तो हर आइलैंड पे मिल जाएंगे, कुछ इंसान कुछ वे ऑफ लिविंग मतलब कुछ बस्ती वस्ती कुछ तो मिला यार। किसी बच्चे से करवाने की आवाज आई, वो कुछ खास समझ में नहीं आ रहा।
अभी यार गिर गया हम चलते चलते, क्यों पता नहीं था कहाँ जाना, क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपने सारे साथी कहाँ हैं? ये क्या है? गुरमा चैप्टर 5 गुरमा। तो भाई यार चैप्टर 4 ख़त्म हो गया, बड़े यार खतरनाक तरीके से ख़त्म हुआ यार। अपने 3 दोस्त को दिया चैप्टर 4 ख़त्म होते होते, मतलब चैप्टर 4 के एंड में। अब चैप्टर 5 गुरमा में पता नहीं कहाँ पे आइलैंड से भी आए हैं। अब यहाँ पे यार सारे में देखना पड़ेगा ना भाई, अपने बिल्कुल भी एनर्जी है ना, फिर भाई कुछ खाना वाना खा रखा हमने भाई, हालत ख़राब है यार अपनी बिल्कुल। अगली वाली वीडियो में भाई एक्सप्लोर करेंगे इस पूरे आइलैंड को, देखेंगे क्या सीन है भाई। देखिए अपनी तो पत्ती सी बनी पड़ी भाई अभी, खतरनाक वाली है। ये तक नहीं पता कहाँ पे कौन है, क्या है, डच भैया कहाँ है, कहाँ पे हैं यार अपने साथी सारे, शिप कहाँ पे डूबा कुछ नहीं समझ में आ रहा यार। ये भी नहीं पता कि पैंथ वो डच भैया जो है वो उसमें शिप में बचे भी है या नहीं, क्योंकि भाई पैंथ भैया डच चिल्लाए थे, लेकिन अभी कुछ खास समझ में नहीं आ रहा। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, मजा आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, मिलेगा अगली वीडियो में।